इसलिए वो 8 साल बाद 1957 में धीरूभाई अंबानी भारत लौट कर आए, और पिछले 8 सालों में उन्होंने जितनी भी सेविंग की थी, मतलब सिर्फ 500 रुपये, सिर्फ इन 500 रुपये का ही यूज़ करके उन्होंने 75,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। हेलो केस फैमिली, यू वॉचिंग किड केडीएस एंड दिस इज दिकेश। जब धीरूभाई अंबानी भारत से दूर यमन सिटी पे पेट्रोल पंप में काम कर रहे थे, तब उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि देखना, एक दिन ऐसे ही मैं भी एक पेट्रोल पंप खोलूंगा। और उनकी ये बात सुनकर उनके सारे दोस्त हंसने लगे, और उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, और वैसे भी बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं जो सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस करने की स्किल और बिजनेस की वैल्यू बचपन से ही समझ ली थी, इसलिए वो अपने स्कूल के बाहर पकौड़े बेचते थे, और 16 साल की उम्र में उन्होंने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दूसरी सिटी जाने का डिसीजन लिया। सो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो धीरूभाई अंबानी मतलब धीरज लाल अंबानी के ऊपर डेडिकेटेड है। सिर्फ 16 साल की उम्र में मैं अकेले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ना जा पाऊँ, लेकिन उन्होंने भारत से दूर यमन कंट्री में पैसे कमाने के लिए जाने का सोचा। सो दोस्तों, धीरूभाई अंबानी के लाइफ से हम 5 चीज़ें सीखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना किसी डिले के भाई और बहनों, चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना, जिससे हमारे कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फाइनली दोस्तों, लेट्स बिगिन, गेट सेट स्मार्ट। और अभी के लिए उनकी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उनके कुछ अचीवमेंट के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको भी ये बात पता चल जाए कि वो कितने ग्रेट थे। जून 1998 में धीरूभाई अंबानी ऐसे पहले इंडियन बने जिन्हें वॉल्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए डीन्स मेडल दिया। 1996, 1998 और 2000 में एशिया वीक्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल 50 लोगों की लिस्ट में शामिल किया, और द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उन्हें मैन ऑफ द 20th सेंचुरीज का खिताब दिया, और अगस्त 2001 में उन्हें कॉरपोरेट एक्सलेंस फॉर लाइफ अचीवमेंट के लिए इकोनॉमिक टाइम अवार्ड मिला, और नवंबर 2000 में इन्हें कैमटेक फाउंडेशन और केमिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड इन रिकॉग्निशन ने इन्हें केमिकल इंडस्ट्री में इतना डेवलपमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ करने के कारण इन्हें मैन ऑफ द सेंचुरी का खिताब मिला। और उनकी मृत्यु के कई सालों बाद अक्टूबर 2011 में उन्हें पोस्टमोसली ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड मिला उनके बिजनेसेस और उनके लीडरशिप के लिए। और फाइनली जनवरी 2016 में उन्हें कंट्री का सेकेंड हाइएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड मिला, पद्म विभूषण। और जब उनकी डेथ हुई तो उनके जन्मदिन में धीरूभाई अंबानी का पोस्टल स्टैम्प निकाला एक ट्रिब्यूट की तरह। और ये तो बस मैंने आपको उनके कुछ अवार्ड्स और अचीवमेंट के बारे में बताया है जो इंटरनेट में अवेलेबल है। इसके बाद भी उनके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स थे, ये बात ये क्लियर करती है कि धीरूभाई अंबानी अपने काम पे कितने फोकस थे। धीरूभाई अंबानी हमेशा से यही कहते थे, आप जिस चीज़ पे अच्छे हो, जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो, उसी चीज़ में लगे रहो। और ये बात उन्होंने अमिताभ बच्चन को कही थी जब वो पॉलिटिक्स में आ रहे थे, और अमिताभ बच्चन ने उनकी बात मानी और उनको धन्यवाद किया। धीरूभाई अंबानी के फादर वैसे तो टीचर थे, लेकिन उनका खुद का कभी भी स्कूल में मन नहीं लगता था। धीरूभाई अंबानी ने बचपन से देखा था कि लोग किस तरह अपने सपने को मार देते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, वो अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी पाते, और लोग ये सोचते हैं अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको बहुत सारा टैलेंट लेके पैदा होना पड़ेगा। और सोसाइटी की इसी बात को गलत साबित करने के लिए वो 16 साल की उम्र में ही चले गए देश से दूर। जब वो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे तो उन्होंने इतने पैसे तो नहीं कमाए, लेकिन उन्हें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। और यहीं से मैं आपको उनके लाइफ का पहला लेसन सिखाने जा रहा हूँ, पुश योर सेल्फ। धीरूभाई अंबानी को पता था कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, हालांकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन वो जानते थे कि रिसोर्सेस कैसे क्रिएट करना है। जब वो बचपन में अपने स्कूल के बाहर पकौड़े बेचते थे तो उनका ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। वो चाहते तो अपना स्कूल छोड़कर सिर्फ उसी बिजनेस पे लग सकते थे, जो उस समय कोई बुरा ऑप्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को पुश किया अपने आप को और बेटर इंसान बनाने के लिए। इसलिए वो 16 साल की उम्र में ही यमन सिटी पे चले गए। उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन अचानक से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार, मैं अपनी लाइफ में ये तो नहीं करना चाहता था। इसलिए वो 8 साल बाद 1957 में धीरूभाई अंबानी भारत लौट कर आए,
और पिछले 8 सालों में उन्होंने जितनी भी सेविंग की थी, मतलब सिर्फ 500 रुपये, सिर्फ इन 500 रुपये का ही यूज़ करके उन्होंने 75,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। जब धीरू भाई अम्बानी लौट कर भारत आए तो उन्होंने कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया सोचने शुरू किए जिनमें कम इन्वेस्टमेंट करके उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। फिर उन्होंने स्पाइसेस और मटेरियल बिजनेस को चुना, उन्होंने मसाले के बिजनेस को चुना और इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। यहाँ से आपको उनके दूसरे लेसन को सीखना चाहिए जो है रिस्क टेकर। जब वो यमन में काम कर रहे थे, एडन में काम कर रहे थे, तो उनकी शादी भी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे, तो एक नॉर्मल इंसान अपने फैमिली और बच्चों को देखते हुए ऐसा रिस्क तो नहीं लेगा। लेकिन धीरू भाई अम्बानी को बचपन से ही रिस्क लेने का शौक था। वो जाने या अनजाने में हर बार कुछ ना कुछ रिस्की कर जाते थे। और उनका एक कोट भी है जिसमें उन्होंने कहा है, जो सच्चे लीडर्स होते हैं, सच्चे एंटरप्रेन्योर, वो सिर्फ रिस्क लेने से ही बनते हैं। फिर जब उनका मसालों का बिजनेस अच्छा खासा चल गया तो उन्होंने सोचा मसालों में इतना प्रॉफिट नहीं है जितना यान ट्रेडिंग में है, तो उन्होंने अपना पूरा फोकस यान ट्रेडिंग में लगाया और धीरे धीरे वो अपने फर्स्ट मैसिव सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने खुद का अपना एक ब्रांड बनाया, विमल, जो एक जाइंट टेक्सटाइल एम्पायर बना। और यही वो टाइम था जब उनके रिलायंस का टर्नओवर 70 करोड़ तक पहुंच गया था। फिर उन्होंने अपना पहला ऑफिस खोला जो 350 स्क्वायर फीट में थी, जहां सिर्फ एक फ़ोन, एक टेबल और 3 चेयर थे जहां वो काम करते थे, उनका पहला ऑफिस। लेकिन अभी के टाइम पे उनकी कंपनी पे 1 लाख से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब मसालों का बिजनेस अच्छा खासा चल गया था तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी टेक्सटाइल के फील्ड में आने की, लेकिन वो अपने आप से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते थे जो कोई नहीं करता। उन्हें रिस्क लेना पसंद था, साथ साथ उन्हें लाइफ में आगे ग्रो करते रहना पसंद था। वैसे तो उनको स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ सीखना नहीं चाहते थे। वो कुछ नया सीखने के लिए बहुत जागरूक रहते थे, क्यूरियोसिटी उनके अंदर भरी पड़ी थी, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते थे। अपने बिजनेस से रिलेटेड या दुनिया भर के बिजनेसेस को देखते थे और सोचते थे अपने बिजनेस में इसे कैसे अप्लाई किया जाए। साथ साथ जब वो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे तभी से उन्होंने बहुत सारी स्किल्स सीख ली थी। उन्हें मार्केट जीनियस कहा जाता है, वो रिस्क टेकर के नाम से भी फेमस है। उन्हें नेगोशिएशन मास्टर कहा जाता है, साथ साथ उन्हें शेयर मार्केट एक्सपर्ट भी कहा जाता है। और ये सारे नाम सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इन सब के पीछे एक स्टोरी है, उनकी लर्निंग है। वो सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होना चाहते थे, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। और धीरू भाई अम्बानी से आपको भी यही लेसन सीखना चाहिए। लेसन नंबर 3, लर्न एंड ग्रो। अब वैसे तो धीरू भाई अम्बानी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे बुक से पढ़कर हो, चाहे लोगों से हो, चाहे इंटरनेट से हो। लेकिन जो एक चीज़ जो धीरू भाई अम्बानी को अलग बनाती है उनसे, वो ये है कि वो एक्शन भी लेते थे। वो जो कुछ भी सीखते थे उसे अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते थे। वो कोई भी काम सिर्फ लोगों की शाबाशी पाने के लिए नहीं करते थे। धीरू भाई अम्बानी कहते थे हमेशा वो करो जो कोई नहीं कर रहा। उन्होंने अपने बिजनेस में और इंडिया में बहुत सारी चीज़ें नई नई की तो उस टाइम कोई नहीं कर रहा था। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने बाहर से नई नई मशीन लाई, क्योंकि उस टाइम कोई भी बिजनेस भारत में मशीनों के द्वारा नहीं किया जा रहा था, लेकिन जिसके कारण उनकी बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। साथ साथ उन्होंने अपना ब्रांड विमल का फ्रेंचाइजीज निकाला, जिसमें 100 विमल फ्रेंचाइजीज खुले, जो अपने आप में भी एक रिकॉर्ड था उस टाइम। उन्होंने पहली बार अपनी कंपनी का IPO निकाला और जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना, क्योंकि उनके IPO को खरीदने के लिए 58,000 इन्वेस्टर आए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और धीरू भाई अम्बानी ने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें की, और ना सिर्फ उन्होंने अपनी ग्रोथ की, साथ साथ इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सो ये है उनका 4th लाइफ लेसन, डू दैट वो एवर इज नॉट डूइंग इट। अब उनकी स्टार्ट की हुई रिलायंस बहुत आगे बढ़ चुकी थी, जो उन्होंने 1957 में 500 रुपये से स्टार्ट की थी, वो अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक बन चुकी थी। धीरू भाई अम्बानी सेल्स में एक जीनियस थे। उनका टेक्सटाइल का बिजनेस विमल 70s में बहुत बड़ी बन चुकी थी, बहुत बड़ा जाइंट बन चुका था, लेकिन वो चाहते थे कि वो अपने ब्रांड को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाए। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे सिटीज़ पर इवेंट करना शुरू किया, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो लोगों में पूरी तरह से फेमस हो चुके थे। धीरू भाई अम्बानी ने अपने लाइफ में हर टाइप के लोगों को हैंडल किया था। उन्होंने बुरे से बुरे टोन वाले लोगों को भी अच्छे तरीके से हैंडल किया था, इसलिए उनकी नेगोशिएशन स्किल इतनी ज़्यादा ग्रेट थी कि वो किसी को भी कन्विंस कर सकते थे। इसलिए उनकी पॉलिटिक्स में भी अच्छी खासी दोस्ती थी। और अब वो अपने लाइफ में हर चीज़ अचीव कर चुके थे जो एक आम इंसान का सपना होता है। वो उस सपने को ही जी रहे थे, वो अपने सपने को जी रहे थे।
और उन्होंने हजारों बार अपने लिमिट्स को ही तोड़े हैं। उन्होंने बहुत सारी ग्रेट चीज़ अचीव की है, और ये बात सोचना ही बहुत मुश्किल है कि किसी ने 500 रुपये से स्टार्ट करके 75 बिलियन का एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया। अब हम आते हैं उनके पाँचवें लेसन पर, फोकस ऑन सोल्यूशन। आपको क्या लगता है, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी? उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, लेकिन उन्हें क्विट करना तो आता ही नहीं था। वो बहुत ज़िद्दी टाइप के आदमी थे। जो चीज़ उन्हें चाहिए होती थी, जो चीज़ वो कमिट कर देते थे, वो बिल्कुल उस जिद में अड़ जाते थे, और किसी भी हालत में वो काम को करके रहते थे। 1965 में उनकी पार्टनरशिप टूट गई थी, जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस में बहुत घाटा भी हो रहा था, और उन्हें एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही थी। लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया, बल्कि अपनी मेहनत को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। और इसके जस्ट बाद 1966 में, जब रुपए के वैल्यू कम हो गई थी, उनके खर्चे अचानक से बढ़ गए। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन वो अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को रियलिटी पे कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करते रहे। और प्रॉब्लम्स तो वही थे, लेकिन वो 10 अलग अलग सोल्यूशन को ढूंढ लेते थे कि किस प्रॉब्लम को किस तरीके सॉल्व किया जाए। जब उन्होंने अपना ब्रांड बनाया विमल, तो इसके बाद भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, कि वो इतने जल्दी से ग्रो कर रहे थे और मार्केट में उनका बहुत सारा कंपटीशन था, तो उनके कंपटीशन चाहते थे कि वो मार्केट में ना आए, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को भड़का दिया। लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अलग अलग शॉप में जाके खुद ही रिटेलर को सेल्स किया। सच में एक बहुत ही ग्रेट चीज़ है। इसके बाद भी उन्हें हेल्थ, वेल्थ, इनकम, फाइनेंशियल और उनके फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए चले गए। और उनका एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, वो कहते हैं, प्रॉब्लम्स तो वही है, बस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उसके अलग अलग रास्ते बना लो। धीरूभाई अंबानी कहते हैं, आपको सपने देखने चाहिए और उन सपनों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई दूसरा इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको हायर कर लेगा। इसलिए बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि सोचने में किसी का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो। धीरूभाई अंबानी की ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाती है। वैसे तो हमने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा, लेकिन जो उनके लाइफ के 5 लेसन्स थे, उन्हें मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। सो लेसन नंबर 1, पुश योर सेल्फ। आप हमेशा याद रखो, आप उससे ज़्यादा कर सकते हो जितना किया जा चुका है। अगर इस दुनिया में कोई भी इंसान आपकी लिमिट तय करता है, तो वो आपकी लिमिट है ही नहीं, बल्कि लिमिट्स होती है तोड़ने के लिए। अपने लिमिट्स को ही तोड़ते जाओ, अपने आप को पुश करो, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। लेसन नंबर 2, लर्न एंड ग्रो। मेरे चैनल का मोटो भी यही है यार, कि लर्न एंड ग्रो। मैं खुद बिलीव करता हूँ लर्न एंड ग्रो पर। हर इंसान को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, हमेशा आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो अपने काम पर, लेकिन आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख सकते हो और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। धीरूभाई अंबानी ने एक फील्ड में सक्सेस होने के बाद अगर ये सोच लिया होता कि यार मैं अपने फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, मुझे और दूसरी चीज़ों में जाने की क्या ज़रूरत, तो शायद वो इतने बड़े एम्पायर खड़ा नहीं कर पाते। लेसन नंबर 3, डू इट हु एवर इज नॉट डूइंग इट। अगर इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई काम नहीं कर रहा है, तो आपको उस काम को करने की ज़रूरत है। नई चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, यही चीज़ें हमें नई एक्सपीरियंस देती है और नई बातें बताती है, नई चीज़ें सिखाती है, जिससे हम अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो नॉलेज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है एक्शन लेना, कि आप उस नॉलेज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में। लेसन नंबर 4, टेक रिस्क। हर इंसान को जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिना रिस्क ले ही आगे बढ़ जाए। चाहे वो दुनिया का कितना भी ग्रेट या टैलेंटेड इंसान ही क्यों ना हो, अगर वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो उसे रिस्क लेना ही होगा। एवरेज लोग रिस्क लेने से डरते हैं, और यही चीज़ उन्हें एवरेज बनाई रखती है। लेसन नंबर 5, फोकस ऑन सॉल्यूशन। मैक्सिमम लोग अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं, वो अपने सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। प्रॉब्लम्स हमेशा वही रहेगी, बस आपको अलग अलग रास्ते चुनने हैं। अगर एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसे हजार तरीके हैं, जिसमें से एक न एक में तो वो सॉल्व हो ही सकता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको अपने खुद की उन रिसर्चेस, जो बातें मैंने धीरूभाई अंबानी से सीखी है, उनके बुक से, उनकी बायोग्राफी से, इंटरनेट से और लोगों से, उन सब चीज़ का सम अप इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो में फाइनली सबसे ज़्यादा एम कर रहा हूँ 50 लाइक का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी लोगों से शेयर कर सकते हो शेयर कर दो।
सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, बी स्मार्ट, बी अवेयर।